हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, यानी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, जिसको उर्दू में वाहिद जमा, हिंदी में एकवचन और बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर नाउन उसे कहते हैं जो किसी एक शख्स या एक चीज़ को बताए, जैसे पेन, बुक, ये क्या है, एक चीज़ को बताती है। प्लूरल क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पीपल और थिंग, जैसे बुक्स, पेन्स एट्सेट्रा, ये एक से ज़्यादा किताबें या एक से ज़्यादा कलम के बारे में बात हो रही है। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके रूल्स क्या हैं और इसको बनाने का तरीका क्या है। पहला रूल है एडिंग एस टू सिंगुलर नाउन। ज़्यादातर सिंगुलर नाउन में हम क्या एस जोड़ देंगे, जिससे क्या वो बन जाएगा, प्लूरल यानी बहुवचन बन जाएगा। जैसे देखते हैं, बुक, पेन, स्टार, ट्री, रोज़, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ इसमें हम एस जोड़ेंगे। जैसे एस जोड़ दिए, क्या हो गया, बुक्स, पेन्स, स्टार्स, ट्रीज, रोज़ेस। ज़्यादातर नाउन्स में हम क्या जोड़ते हैं, एस। आइए देखते हैं दूसरा रूल क्या है। रूल नंबर दो देखते हैं, एडिंग ई एस टू सिंगुलर नाउन दैट एंड्स इन एस डबल एस एस एच सी एच एक्स। अगर किसी नाउन के आखिरी में ये सब लेटर आए जो ऊपर मेंशन किया गया है, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसके आखिर में ई एस जोड़ते हैं। जैसे सिंगुलर है बी यू एस, बस, बस के आखिर में एस आया है, तो उसकी जमा बनाने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, बसेज हो गया। इसी तरह क्लास, डबल एस आया है, उसके आखिर में ई एस जोड़ेंगे, क्लासेज। बेंच, इसके आखिर में सी एच आया है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ेंगे, बेंचेज। ब्रश, ब्रशेज हो जाएगा। इसी तरह बॉक्स, बॉक्स के आखिर में एक्स आया है, इसकी जमा बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, ई एस, बॉक्सेज। आइए देखते हैं रूल नंबर थ्री, एडिंग ई एस टू सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन ओ एंड हैविंग अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट। किसी नाउन के आखिर में अगर ओ आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ेंगे। जैसे मैंगो, टमाटो, हीरो, मॉस्किटो, आखिर में ओ आया है, उससे पहले क्या है, सबके कॉन्सोनेंट है, जी है, टी है, आर है, टी है, उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे। जैसे मैंगोज, टमाटोज, हीरोज, मॉस्किटोज। एक बात ध्यान में रखें कि हर रूल्स का कोई ना कोई एक्सेप्शंस, अपवाद, यानी उस रूल को उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे डायनमो, किलो, फोटो, कमांडो, ये सब क्या है, एक सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें सिर्फ हम एस जोड़ेंगे, जैसे डायनमोस, किलोस, फोटोज, कमांडोज एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, इफ़ नाउन एंड्स इन वाई एंड प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, चेंज वाई इंटू आई ई एस। अगर किसी नाउन के आखिर में वाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को बदल देंगे किस में, आई ई एस में बदलेंगे। जैसे बेबी, आर्मी, सिटी, लेडी, स्टोरी, सबके आखिर में क्या आया है, वाई है, और सबके आखिर में वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम बदल देंगे किस में, आई ई एस में। जैसे बेबीज, आर्मीज, सिटीज़, लेडीज़, स्टोरीज़, इस तरह के जितने भी वर्ड आएंगे सबको हम क्या करेंगे, आई ई एस में बदल देंगे। आगे देखते हैं रूल्स नंबर फाइव, बट इफ़ नाउन एंड्स इन वाई एंड प्रिसीडेड बाय वॉवेल, ऐड वनली एस टू फॉर्म प्लूरल फॉर्म। अगर किसी नाउन के आखिर में वाई आए और उस वाई से पहले एक वॉवेल आए, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे बॉय, टॉय, की, वे, मंकी, सबके आखिर में वाई आया है और उससे पहले एक वॉवेल आया है, तो उसको हम जमा बनाने के लिए, उसकी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, बॉयज़, टॉयज़, कीज़, वेज़, मंकीज़। अगर यही वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता, तो उसको आई ई एस में बदल देते, जो इससे पहले हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल है, नाउन्स एंडिंग इन एफ ई और एफ
form their plural by changing FERF into VES. अगर किसी नाउन के आखिर में FE या F आए तो FE या F को बदल कर VES कर देंगे और उसका प्लूरल बनाएंगे, जैसे काफ, हाफ, लोफ, थीफ, नाइफ, वाइफ, सब के आखिर में क्या आया है, या तो F आया है या FE. F या FE को बदल कर VES कर देंगे, जैसे काव्स, हाफ्स, लोव्स, थीव्स, नाइव्स, वाइव्स. ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया. सबके आखिर में हम क्या जोड़ेंगे, VES, F या FE को हटा देंगे. आइए आगे देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या है. जैसे कि हमें पता है हर रूल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है जिसका रूल उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, जैसे रूफ, स्कार्फ, चीफ, हूफ, गल्फ एट्सेट्रा. यह सब क्या है, सिंगुलर है. इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम इसमें एस जोड़ेंगे, जैसे रूफ के आखिर में सिर्फ हमने एस जोड़ दिया रूफ्स, स्कार्फ के आखिर में एस जोड़ दिया स्कार्फ्स, चीफ्स, हूफ्स, गल्फ्स एट्सेट्रा. ये सब क्या है, प्लूरल इसका बन गया. कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके आखिर में एस भी जोड़ सकते हैं और वी ई एस भी जोड़ सकते हैं, जैसे ड्वाफ्स और ड्वाफ्स दोनों हो सकता है. बौने जिसको हम कहते हैं पिग्मी, डी डब्ल्यू ए आर एफ, क्या है यह सिंगुलर है, इसके आखिर में या तो हम एस जोड़ेंगे या हम वी ई एस जोड़ सकते हैं. इसी तरह हूफ, हूफ के आखिर में एस जोड़ सकते हैं या वी ई एस जोड़ सकते हैं. इसी तरह स्कार्फ हुआ, स्कार्फ के आखिर में एस जोड़ सकते हैं या वी ई एस, स्कार्फ्स या स्कार्फ्स दोनों हो सकता है. नेक्स्ट है, सम नाउन्स चेंज देयर इनसाइड वावेल्स. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंदर के वावेल में तब्दीली आती है, उसको हम चेंज करते हैं. जैसे सिंगुलर देखते हैं, माउस, टूथ, मैन, वीमैन, फुट, लाउज, गूज. इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसके अंदर के जो वावेल्स हैं, जैसे माउस में ओ यू, टूथ में डबल ओ, मैन में ए, वीमैन में ए, फुट में डबल ओ, लाउज में ओ यू, गूज में डबल ओ, इसको हम बदलेंगे. माउस को माइस करेंगे, टूथ को तीथ करेंगे, मैन को मिन करेंगे, वीमैन को वीमैन करेंगे, फुट को फीट करेंगे, लाउस को लाइस करेंगे, गूस को गीस करेंगे. इसका कोई रूल नहीं होता है. जब हम इन नाउंस को गौर से देखते हैं तो हमें कुछ आइडिया मिलता है. जैसे माउस को माइस इसलिए बनाया गया है, ओ यू को आई में चेंज कर दिया गया है, एस ई को सी ई में. इसी तरह टूथ को डबल ओ को डबल ई में, ए को ई में, वीमैन के ए को ई में कर दिया गया है, फुट के डबल ओ को डबल ई में. इसी तरह लगता है जैसे डबल ओ को डबल ई में चेंज किया जाता है और ओ यू को आई में. जिस तरह माउस के ओ यू को आई में बदला गया, इसी तरह लाउस के ओ यू को आई में, एस ई को सी ई में, इस तरह माउस के एस ई को सी ई में तब्दील कर दिया गया है. इसी तरह गूस के डबल ओ को डबल ई में, एस ई को एस ई ही रहने दिया गया है. चलिए आगे देखते हैं. कुछ ऐसे सिंगुलर्स होते हैं जिसकी हम जमा बनाने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ई एन जोड़ते हैं, जैसे ऑक्स को ऑक्सन, चाइल्ड को चिल्ड्रेन. ठीक है, आगे देखते हैं. सम नाउंस हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स अलाइक. कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक ही होता है, चाहे वो सिंगुलर रहे या प्लूरल एक ही लिखा जाएगा, जैसे स्वाइन, शीप, डियर, सीरीज, स्पेसीज, डजन, फिश एट्सेट्रा. अगर हम कहेंगे, एक सेंटेंस बना लेते हैं पहले, आई सॉ शीप, मैंने एक भेड़ देखी. अगर एक से ज़्यादा भेड़ देखी उसके लिए भी क्या रहेगा, आई सॉ शीप, मैंने बहुत सी भेड़ें देखी. चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों एक ही रहेगा. आमतौर पर फिश की जमा फिश ही रहता है, लेकिन जो उसकी वैरायटी रहती है, उसके अलग अलग नाम्स रहते हैं मछलियों के, अगर उसकी जमा बनाएंगे तो उसकी जमा फिश की फिशेज हो जाएंगी, ई एस लास्ट में जोड़ेंगे. आइए आगे देखते हैं. सम नाउंस ऑलवेज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चीज़ एक हो या एक से ज़्यादा, उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, हमेशा प्लूरल लगेगा. जैसे कैटल एक जानवर हुआ या एक से ज़्यादा जानवर, उसके साथ वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा. पीपल, जेंट्री, सीजर्स,
जींस, शॉर्ट्स, टंग्स, पिंसर्स, एनल्स, थैंक्स, टाइडिंग्स, एसेट्स एट्सेट्रा। इस तरह के जो लफ्ज हो क्या हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। सीजर जैसे कैंची हो गए, जींस, शॉर्ट्स, टंग्स, ये सब क्या है, जिसके दो हिस्से होते हैं। चश्मा हो गया, पाजामा हो गया, जींस हो गया, कैंची वगैरह, ये सब क्या है, हमेशा इसका इस्तेमाल प्लूरल वर्ब के साथ होगा, सिंगुलर के साथ नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, माई स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल, माई स्पेक्टिकल्स इज ऑन द टेबल। यहाँ दो सेंटेंस दिया हुआ है, पहले के साथ आर इस्तेमाल किया गया है, दूसरे के साथ इज। पहला बार प्लूरल के साथ इस्तेमाल हुआ, दूसरा सिंगुलर के साथ। इसमें क्या आ वाला जो है, पहला वाला वो सही है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, ना कि सिंगुलर। इज जो इस्तेमाल हमने किया नीचे वाला वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब एंड नेवर विद प्लूरल वर्ब्स, वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ करते हैं, ना कि प्लूरल। चाहे वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल करेगा। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, लैंग्वेज, एडवाइस, बिजनेस, ब्रेड, इनिंग्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एट्सेट्रा। ये सब जो है इनके साथ हमेशा वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर ही होगा। कुछ लफ्ज़ हमें देखने में भले ही प्लूरल लग रहे हैं, हालांकि वो लफ्ज़ क्या है, सिंगुलर है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स है, आखिरी में ऐसे लगा हुआ, लेकिन वो क्या है, सिंगुलर है। कुछ डिजीज़ के नाम हैं, बीमारियों के नाम, जैसे मीजल्स, रिकेट्स, मम्स। कुछ गेम्स के नाम हैं, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ वर्ब इस्तेमाल होगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन डोंट फॉर्म प्लूरल नंबर। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे वाटर, ऑयल, गोल्ड, कोल, शुगर, साल्ट, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, ट्रुथ, डेथ एट्सेट्रा। इन सब को हम प्लूरल नंबर में नहीं बना सकते। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे वुड के माने लकड़ी होती है, अगर उसमें हम एस जोड़ देंगे वुड्स, तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी। वुड के माने लकड़ी, लेकिन वुड्स के माने जंगल हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हो। इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड रहता है उसमें हम एस जोड़ते हैं। जैसे सन इन लॉ में सन प्रिंसिपल है, स्टेपसन में सन प्रिंसिपल है, मेड सर्वेंट में सर्वेंट प्रिंसिपल है, पासर बाय में पासर प्रिंसिपल है, लुकर ऑन में लुकर प्रिंसिपल है। उसके आखिर में क्या जोड़ेंगे, एस। सन सन इन लॉ में सन्स इन लॉ बन जाएगा, स्टेपसन्स, मेड सर्वेंट्स, पासर्स बाय, लुकर्स ऑन। पासर बाय यानी राहगीर, जो रास्ते में चलने वाला हो। लुकर ऑन जो दर्शक होते हैं उसे क्या कहते हैं, लुकर ऑन। एक से ज़्यादा दर्शक रहेंगे तो लुकर्स ऑन हो जाएगा। जो इसमें प्रिंसिपल वर्ड है उसमें ही हम एस लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।